हमीरपुर जिले के एक गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी ने निषाद कश्यप सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष मुख्य अतिथि रहे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने जनता के बीच पकड़ बनाने के लिए कार्यक्रम और सभाएं करना शुरू की है। कार्यक्रम में आए हुए सपा के नेताओं ने भाजपा के ऊपर बढ़ती महंगाई को लेकर निशाना साधा। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने जनता को ले भगाने के लिए अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। जनसभा तो कभी बड़े बड़े कार्यक्रम जनता को लुभावने वादों को लेकर कराए जा रहे हैं। भाजपा को प्रदेश में टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। पार्टी में ओबीसी को जोड़ने के लिए शहर के एक गेस्ट हाउस में निषाद कश्यप सम्मेलन किया गया। कार्यक्रम में निषाद और कश्यप जाति के संगठनों के पदाधिकारियों को बुलाकर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान सपा के नेताओं ने पूर्व में समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए प्रदेश में विकास गिनाए और भाजपा सरकार में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल को लेकर वर्तमान सरकार पर निशाना साधा। 2022 में चुनाव होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग जन जन को जगाने काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय यात्रा लेकर भी लोग निकले हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों की दुश्मन है। आज अगर नौकरियों में देख रहे हैं, सारी की सारा आरक्षणों का खत्म हो रहा है, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो। अगर हम केंद्र में, चूँकि राज्यसभा के सांसद हैं, केंद्र के अगर देखते हैं तो 40 विश्वविद्यालय में कोई भी पिछड़े वर्ग का एक भी कुलपति नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। मात्र 4% कोटा केंद्रीय नौकरियों पूरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी केवल पिछड़े वर्ग को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने का काम करती है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल पेट्रोल 100 पार कर गया, गैस के दाम 1000 पार कर गए, और हर तरह से चाहे खाद के बीज के दाम हो, महंगाई चरम सीमा पे है। किसान हर तरह से परेशान है। बढ़ती महंगाई को लेकर के हम ये कहेंगे कि बीजेपी जो सरकार जो जो इनकी क्रियाकलाप है वो इनकी बदनीति के साथ है। बदनीति कैसी है, ये प्राइवेट सेक्टरों में सारी चीज़ों को दे करके और उनसे बिचौलियों का काम कर रही है, जो कि बोझ गरीब तबके से लगा करके सभी तबकों को आ रहा है। ये लोग देश को बेच करके भाई भाई में भूख आपस में झगड़ा करा करके, ये लोग इनकी नीयत केवल राज्य करने की है।